नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया हेल्थ चैनल पर फिर एक बेहतरीन हेल्थ और वेलनेस वीडियो के साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर ललित मोहन शर्मा हूं। मैं जयपुर में महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कैंसर रोग विशेषज्ञ हूं। आप सभी का बहुत बहुत आज के शो में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे लाइफस्टाइल का हमारे कैंसर के साथ में क्या संबंध है। लाइफस्टाइल का संबंध नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जितनी प्रकार की है सभी से है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में मुख्यतः डायबिटीज़, हार्ट की बीमारियाँ, COPD जो फेफड़े में बीमारियाँ हो जाती है स्मोकर्स में खासतौर से, और कैंसर, ये चार मुख्य बीमारियाँ हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती है। आज हम चर्चा करेंगे लाइफस्टाइल का संबंध कैंसर से। लाइफस्टाइल का जहाँ बात आता है, सबसे पहला सवाल आता है हमारा खान पान। जैसे पहले कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, तो हमारा जो खान पान का सीधा संबंध है वो हमारी अन्य बीमारियों के साथ में जुड़ा हुआ है। पहले के टाइम में इंसान प्योर वेजिटेरियन खाना खाते थे, कंदमूल फल खाते थे। आज के टाइम में हम देख रहे हैं मॉडर्न जो जनरेशन है वो जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करी है। केक, पेस्ट्री, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें, हमारे बच्चे एकदम टेम्पटेड रहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। स्कूल में जब बच्चों को माताएँ टिफ़िन देती हैं तो बच्चों में कंपटीशन रहता है कि मैं पराठा और सब्जी नहीं लेके जाऊंगा, मैं सैंडविच लेके जाऊंगा, मैं पिज़्ज़ा लेके जाऊंगा, मैं पास्ता लेके जाऊंगा। इन सब के घातक परिणाम होते हैं। इन दी फॉर्म कि जो फाइबर और वेजिटेबल्स हमारे शरीर में कम जाते हैं उससे हमारी आंत में जो पाचन क्षमता है वो कमज़ोर रह जाती है। हमारी आंत जो भगवान ने बनाई है वो हमारी लंबाई के बराबर हमारी आंत बनाई है, और फलस्वरूप हम यदि फाइबर डालेंगे, जो रेशे वाली चीज़ है वो हम शरीर में डालेंगे, तो हमारा शरीर और हमारी आंतें ठीक चलेगी, उसी का प्रॉपर रस बनेगा और उसी से हमारा दिल, दिमाग और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, इम्यूनिटी, वो हमारी बूस्टअप रहेगी। आजकल क्या हो गया है कि बच्चे हमारे इन चीज़ों में जा रहे हैं, हम लोग भी जो एडल्ट हैं वो कचौरी, समोसा, ये चीज़ें खाते हैं, सारा दिन खाना खाते हैं हम लोग। और आप देखें कि वही नहीं, नॉन वेजिटेरियन डाइट की तरफ भी हम लोग अपने आप को वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ बहुत ज़्यादा झुका रहे हैं। नॉन वेजिटेरियन में ख़ास तौर से जैसे राजस्थान में लाल मांस बहुत फेमस है, शराब का सेवन बहुत फेमस है, तो जो लोग ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं उनमें आंत के कैंसर की संभावना नॉर्मल के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होती। अमेरिकन्स ने ये चीज़ बहुत पहले समझ ली, उनमें आंत का कैंसर ज़्यादा हो रहा था, उन्होंने ये चीज़ समझी और वहाँ अब प्योर वीगन डाइट, जो वेजिटेरियन डाइट है, उसका ट्रेंड तेज़ी से चल रहा है। लेकिन हम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड को कॉपी करने के चक्कर में अपनी असलियत चीज़ जो हमारे फल फ्रूट और हम सब्जियां खाते थे उसको छोड़ के हम नॉन वेजिटेरियन और लेस फाइबरस डाइट की तरफ भाग रहे हैं। उसकी वजह से आंत के कैंसर हो रहे हैं, उसकी वजह से मोटापा बढ़ रहा है। सेकेंड जो कॉमन कारण कैंसर का लाइफस्टाइल से संबंध मोटापा है, अत्यधिक वजन का होना है। हम देखें कि हम में से आज की तारीख में भारत में मोटापे की तादाद तेज़ी से बढ़ती जा रही है, और सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात है कि मोटापा बच्चों में तेज़ी से बढ़ रहा है। बच्चों में खान पान कल्चर ख़राब हो रहा है, बच्चे फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और मोटापा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। जिन महिलाओं, पुरुषों में मोटापा ज़रूरत से ज़्यादा होता है, वजन ज़्यादा होता है, हार्ट की समस्या होती है, उनमें घुटने की समस्या आ जाती है और कई प्रकार के कैंसर जैसे पैनक्रियाज का कैंसर, स्टमक का कैंसर, ओवरी का कैंसर और किडनी का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर, ये सब जो महिलाएं और पुरुष मोटापे से ग्रसित हैं उनमें संभावना ज़्यादा होती है। हम देखें हमारे शरीर में कैंसर अल्टीमेटली बनता है इम्यूनिटी कम होने की वजह से, और मोटापा, खान पान हमारा जैसा रहता है, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, फलस्वरूप हमारा शरीर कैंसर सेल्स को केयर नहीं कर पाता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट जो कारण है वो हमारा लाइफस्टाइल में तंबाकू का सेवन है, और तंबाकू मानव प्रजाति के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। आप देखें जो लोग तंबाकू लेते हैं, जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उनका जब हम लोग ऑपरेशन के टाइम में या सीटी स्कैन करके देखते हैं, फेफड़े हमको छलनी की तरह नज़र आते हैं, ऐसा लगता है इतने छेद हों जैसे आपने किसी कपड़े के ऊपर बीड़ी सिगरेट से बहुत सारे छेद कर दिए, उनके फेफड़े की हालात ऐसी होती। जब उनके फेफड़े को यदि हम ऐसा निचोड़ते हैं तो समझो डामर जो तारकोल होता है वैसा पदार्थ निकलता है। जितने साल तक हम सिगरेट का सेवन करते हैं, जितनी सिगरेट या बीड़ी पीते हैं, हर एक सिगरेट हमारे जीवन में 6 से 8 सेकेंड का लाइफ कम करता है।
हो सकता है कि सिगरेट बीड़ी की वजह से कैंसर से ग्रसित हो सकता है कैंसर नहीं हो के कोई हार्ट की प्रॉब्लम आ जाए, कोई और दूसरी प्रॉब्लम आ जाए जिस कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक और ख़राब होती। तो स्मोकिंग अपने आप में एक डेंजरस चीज़ है जो लाइफस्टाइल का संबंध है। स्मोकिंग नहीं करते तो आप देखें लंग्स की परेशानियों से, कैंसर से और हार्ट की बीमारियों से 30-40% तक बचाव संभव। आजकल आप देखें कि गुटखा कौन से घर में कौन सी गली में बन रहा है, कोई रोकथाम नहीं है उसके ऊपर। और आप सोचें 1-1.5 रुपया का गुटखे का पाउच है, उसमें काम की चीज़ें नहीं, बेकार चीज़ें जो शरीर को नुकसान देती है, एडिक्शन करती है, वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं उसमें। और गुटखे का सेवन ज़्यादातर लोग यंग पर्सन हमारे पास आते हैं, जब भी हम किसी को गुटखे या तम्बाकू से होने वाले कैंसर से ग्रसित आदमी को देखते हैं, हमेशा मन में आता है इसका जीवन बचाया जा सकता था। लेकिन हमारे पास जब आदमी आता है काफ़ी लेट हो चुके होते हैं, मुंह का कैंसर हो जाता है, गाल गल जाता है, जबड़ा ख़राब हो जाता है, ऑपरेशन करके डॉक्टर आधी जीभ निकालते हैं, कहीं होंगे जबड़ा निकालते हैं, गाल का ऑपरेशन करते हैं, शरीर में कहीं हाथ से या पैर से मांस लेके उसको रिकंस्ट्रक्शन प्लास्टिक सर्जन करते हैं, रेडियोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी होती है। आप सोचें जो मोस्ट प्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ हमारा 30-35 की उम्र वाला है, वो अस्पतालों के चक्कर काट काट के रह जाता है। और सबसे दुख की बात ये है, इतना होने के बावजूद भी 10 में से 7 मरीज ठीक हो पा नहीं हो पाते हैं। 30-40% लोग हैं जो पहली दूसरी स्टेज में आते हैं, प्रॉपर इलाज कराते हैं, वो ठीक हो पाते हैं। एक और लाइफस्टाइल से रिलेटेड फैक्टर जो आप लोगों को बताना चाहूँगा, शराब का अत्यधिक सेवन। हम देखें कि शराब का जो लोग सेवन करते हैं उनमें लीवर की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, उसमें बच्चेदानी का कैंसर, उसमें अन्य कैंसर जैसे भोजन नली का कैंसर, स्टमक का कैंसर और शराब के सेवन से जो हमारा लीवर ख़राब हो जाता है, कईयों को कैंसर नहीं होता लेकिन सिरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है जो कैंसर से भी ख़राब बीमारी है। तो ये मुख्य कारण है। एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए जानना ज़रूरी है वो है हमारा फिजिकल एक्टिव रहना। आप देखें पुराने ज़माने में गाड़ी मोटर नहीं थी, लोग बाग पैदल चलते थे, सब लोग दौड़ते थे। हमें अपने बचपन की याद है कि हम भी 5-7 किलोमीटर ऐसे ही दौड़ते थे, शौक शौक में स्कूल भी जाते थे तो पैदल जाते थे। आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि हमारे घर से ऑफिस तक भी जाते हैं तो हम या तो बाइक में जाते हैं या गाड़ी में जाते हैं, पसीने की एक बूंद निकले हुए कई महीनों हो जाते हैं हमको, सूरज की रोशनी शरीर पर लगे हुए महीनों हो जाते हैं हमको। तो फिजिकल इनएक्टिविटी अपने आप में कई सारी बीमारियों की जड़ है। तो फिजिकली एक्टिव रहना कैंसर से बचाव के लिए ज़रूरी है। हम में से सबको चाहिए कि कम से कम 45 से 60 मिनट हम अपने आप को जरूर दें, रोज़ ब्रिस्क वॉकिंग करें। ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब है कि अपनी हार्ट रेट तेज होनी चाहिए, पसीना आना चाहिए। और करीब करीब हम मानते हैं कि 1 घंटा 60 मिनट हम चलते हैं तो करीब 5-6 किलोमीटर हमको वॉक करना चाहिए। महिलाओं को खासतौर से बताना चाहूँगा कि महिलाएँ अक्सर कहती हैं हमारी तो घर में इतनी कसरत हो जाती है कि जरूरत नहीं। घर का कामकाज, घर में जो हम काम करते हैं वो फिजिकल एक्टिविटी में हम लोग मेडिकल में काउंट नहीं कर पाते। सो उसके लिए हमको रोज़ अलग से, चाहे दिन में 3 बार करें, 20-20 मिनट 3 बार करें, चाहे आधा आधा घंटा सुबह शाम करें, अपनी हेल्थ के लिए ज़रूर समय निकालें। फिजिकल एक्टिव रहेंगे, हार्ट की प्रॉब्लम से बचाव होगा, कैंसर से बचाव होगा, डायबिटीज़ से बचाव होगा, घुटने की प्रॉब्लम नहीं आएगी, खून का दौरा सही चलेगा, रात में नींद बढ़िया आएगी, डॉक्टरों के चक्कर कम से कम लगाने पड़ेंगे। एक हमने जो बात करी अभी कि जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, कि हमारे लाइफ में ज़रूरी है कि हम जितना फाइबर वाली चीज़ है जो हमारा खाना है उसमें से करीब 50% खाना हमारा रॉ मटेरियल होना चाहिए, लाइव होना चाहिए। लाइव का मतलब जिसमें जान है। जान किस में है? जैसे फ्रूट्स हम लेते हैं उसमें जान है, सब्जियों में जान है, सलाद में जान है, तो वो खाना हमको 50% होना चाहिए। इस चीज़ से कतई ऐसा घबराएं नहीं, काफ़ी लोग कहते हैं कि इसमें तो एडल्ट्रेशन आता है। छिलका हटा के लें, मोटे छिलके वाली चीज़ लें, छिलका हटा दें। फ्रूट्स वेजिटेबल का सेवन हमको कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में देता है जिससे कई बीमारियों का बचाव हो पाता है। आज हमने चर्चा करी लाइफस्टाइल और कैंसर की। अगले एपिसोड में फिर हम दूसरी और चर्चा कैंसर से संबंधित बात में करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।